नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं, सामने मेरा निकॉन D5300 रखा है। जो भी मैं कैमरे का वीडियो बनाता हूँ अपने इसी DSLR कैमरे से बनाता हूँ। इसके साथ मैं अपना एक लेंस यूज़ करता था निकॉन का ही, जो बेसिक किट लेंस है ये निकॉन DX VR, और ये था मेरा AF-S Nikkor। यहाँ आप देखेंगे AF-S Nikkor 18-55mm वर्जन इसका था G2। ये G2 वर्जन में लेंस अपना यूज़ करता था दोस्तों। इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया है, इसकी जगह पे मैं लेके आया हूँ एक इसका नया वर्जन जो है इसी लेंस का, वो मैं इसका लेके आया हूँ। सेम रेंज है 18-55mm ही है, लेकिन वो पी सीरीज का लेंस है जो कि लेटेस्ट नया लेंस चल रहा है और इससे काफ़ी थोड़ा बेटर है। तो उसका आज अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, और कहाँ से लाया हूँ वो भी बताऊँगा आपको। और अगर आपको उस दुकान के बारे में जानना हो, वहाँ पे अगर आपको जाकर परचेज करना हो, तो आप वहाँ पे जाकर परचेज कर सकते हैं काफ़ी अच्छे दाम में। आपको वहाँ पे लेंस, एसेसरीज और बाइनाकुलर्स वगैरह निकॉन की सब कुछ मिल जाते हैं, क्योंकि निकॉन का ऑथराइज शॉप है दोस्तों। मैं रहता हूँ मुंबई के पास, महाराष्ट्र में रहता हूँ उल्लासनगर में, और ये लेंस मैं लेके आया हूँ मुंबई CST से जाके, क्योंकि वहाँ पे कैमरे का काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे मैं लेंस लेके आया हूँ। और दोस्तों, ये लेंस मैं लेके आया हूँ अपने लिए निकॉन का किट लेंस, ये 18-55mm ही है। इसको मैं आपका अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ इस लेंस का। तो ये इस लेंस के साथ में मेरे को मिला है ये, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा लेंस है निकॉन का 18-55mm, और ये है निकॉन का इसका वारंटी कार्ड, और ये इसका बिल। ये लेंस मेरे को मिला है दोस्तों 6000 रुपये में, आप इसका कॉस्ट दे सकते हैं, 6000 रुपये लिखा हुआ है, और ये इसका वारंटी कार्ड है, 2 साल का वारंटी है दोस्तों। इसमें जो है वारंटी में आप कवर अप जो भी दुकान वाले करते हैं, वो इसमें आपका सॉफ्टवेयर है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अगर इसका कुछ डिफेक्ट है तो उसको जो है वो इसमें कवर करते हैं। तो लेकिन दोस्तों, अगर आपका निकॉन लेंस जो है, अगर आप जो भी परचेज कर लग के लाते हैं, उसमें अगर आपका कुछ आपके साथ आपके हाथ से डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो वारंटी में कवर नहीं होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है लेंस को यूज़ करते टाइम पे, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मेरा लेंस गिर गया था और अंदर से क्रैक हो गया था। तो मैं रिपेयर कराने गया, तो रिपेयर का कॉस्ट जो है एक्चुअली लेंस की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाता है लगभग। तो इससे बेटर है कि हम नया लेंस ले लें, तो इसलिए मैं नया लेंस लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छे वाजिब दाम में मेरे को लेंस मिला है। और अगर आपको इस दुकान के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं दुकान पे जाके आप लोगों के लिए एक नया वीलॉग बनाऊंगा, और वहाँ पे जो है जितनी भी एसेसरीज निकॉन की मिलती हैं, कैमरा है, लेंस है, बाइनाकुलर है, कैमरा की एसेसरीज हैं, लेंस की एसेसरीज हैं, जो भी मिलती हैं, मैं आपको उन सब के बारे में वहाँ पे पूरी डिटेल में बता पाऊँगा, दुकानदार से आपकी बातचीत भी करा पाऊँगा, आपको उसके रेट भी प्रॉपर बता पाऊँगा। तो आपको उसके लिए इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, लेंस आपको दिखा देता हूँ। ये लेंस है नया, ये लेंस है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है निकॉन AF-P Nikkor 18-55mm, और दोस्तों जो पुराना था आपने वहाँ पे देखा होगा, जो जी लिखा हुआ है, G2 था ये, जी वर्जन है खाली, और ये निकॉन DX VR ही है, सेम 18-55mm लेंस है, जो कि बेसिक किट लेंस होता है। तो इस लेंस को अपने कैमरे में फिट करता हूँ, इसका फोटोग्राफी आपको दिखाता हूँ करके। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, और उस लेंस से काफ़ी यूज़ करने में आसान है, वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी दोनों इस लेंस में काफ़ी अच्छी स्मूथली हो जाती हैं उससे। और इस लेंस में और उस लेंस में क्या डिफरेंस है, अगर आपको इसका कंपैरिजन चाहिए तो अगले वीडियो में आपको वो भी मिलेगा। मैं इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा कि ये लेंस जो है पुराने वाले लेंस से क्यों बेटर है। तो इस लेंस को मैं अपने कैमरे में वेट करता हूँ, और आपको उसे फोटोग्राफ क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा निकॉन D5300, देखिएगा लेंस, कैमरा मेरा ऑफ मोड पे है दोस्तों। जब भी हम लोग लेंस में कैमरे में लेंस लगाते हैं, तो ध्यान रखना है कि हमारा जो कैमरा है वो ऑफ मोड में ही होना चाहिए। ऑन मोड में हमें लेंस ना तो निकालना है कैमरे से, और ना ही लेंस लगाना है। तो इसका मैं लेंस कैप यहाँ पे रिमूव करता हूँ, इसका पीछे से ये कैप रिमूव करता हूँ, और ये मैं लेंस यहाँ पे लगा रहा हूँ इसमें। दोस्तों, अगर किसी को कैमरे में लेंस बराबर लगाना नहीं आता, तो इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि इस वीडियो में आपको
एंड स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ जाएगा, तो वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इस तरीके से लेंस यहाँ पे लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊँगा और ये जैसे क्लिक का साउंड आएगा, ये आपका लेंस यहाँ पे फिट हो गया है। तो अब इसका मैं लेंस का जो कैप है ये रिमूव कर देता हूँ और इसको हटा देते हैं साइड में। अभी ये लेंस को जो है, कैमरे को जो है, मैं यहाँ पे ऑन पोजीशन में। तो दोस्तों कैमरा अभी मेरा ये जो है ऑन हो गया है, यहाँ पे देखें कैमरा मैंने ऑन ऑन की तरफ है। अभी इस लेंस को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसका पिक्चर आपको लेके दिखाता हूँ। तो मैं इसका ये डिस्प्ले इसका खोलता ओपन करता हूँ, इसका रोटेट होता है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले इसका रोटेट कर देता हूँ मैं। अभी इसको लेंस को हम थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये लेंस जूम हो गया, ये क्लिक का आवाज आएगा, तो अभी मेरा यहाँ पे लाइव स्विच ऑन हो जाएगा। अभी ये लाइव स्विच मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइव स्विच ऑन हो गया, सामने आपको मेरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मैं आपको फ़ोटो एक लेके दिखाता हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी जो है दोनों से काफ़ी ईजी है पुराने लेंस से। जो मैंने यूज़ किया, मेरे को जो फील हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ईजी लगता है, काफ़ी अपने आप ऑटो फोकस कर लेता है, फोकसिंग भी इसका अच्छा है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसका अच्छा है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको उसका एक पिक्चर लेके दिखाता हूँ सैंपल के लिए। इस ऑब्जेक्ट को मैं फोकस करता हूँ या मल्टी ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सामने मेरा मंदिर है, यहाँ पे मैं पूजा करता हूँ बैठ के, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और ये मैंने इसका पिक्चर क्लिक किया है। तो ये देखिए दोस्तों इसका पिक्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लाइट कम है लेकिन लाइट लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा पिक्चर ले कैमरा इसका ले रहा है। ये देखिए ये पिक्चर की आप क्लियरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लेंस को कैसे यूज़ करना है ये भी मैं दिखाऊंगा इसमें वीडियो में अपने, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको पुराने लेंस जो मेरा डी सीरीज़ था उसका कंपेरिजन और ये जो नया लेंस है इन दोनों का कंपेरिजन मैं आपको कल बताऊँगा, और बताऊँगा कि नया लेंस पुराने लेंस से क्यों अच्छा है, क्यों बेटर है और इसमें क्या खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा। इस लेंस का यूज़ आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपने दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपको इस लेंस को, अगर आपको लेंस ख़रीदना है बॉम्बे में, अगर आप महाराष्ट्र में गए हैं, आपको VT से जाके CST से जाके लेंस खरीदा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। दुकान के लिए मैं आपको अलग एक वीडियो बना दूंगा, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो आपके लिए ज़रूर बना के लेके आऊँगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।